नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। यहाँ पर आर्टिकल 285 की चर्चा करने वाले हैं। आर्टिकल 285 में बोला गया था, संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट। जो हमारा एक केंद्र की संपत्ति होगी केंद्र सरकार की और राज्यों के अंदर है, तो उसके कराधान से छूट कैसे प्राप्त होगी तो देख लेते हैं। वहाँ तक के सिवाय जहाँ तक संसद विधि द्वारा रोक ना करे। संसद एक कानून नियम बनाएगी, जब तक वह रोक ना करे कानून नियम द्वारा, राज्य द्वारा या राज्य के भीतर सभी करों से संघ की छूट मिलेगी, है ना। तो संसद कानून बना देगी तो ठीक है, नहीं बनाएगी तो छूट वैसे ही मिलती रहेगी। फिर क्या बोला गया, नंबर एक, संसद विधि द्वारा इसे रोके, है ना, कि हाँ तुम अब संसद विधि बना देगी, हाँ तुम अपना टैक्स वैक्स लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो संसद विधि बना के इसे रोक सकती है। जो अगर संसद ने विधि नहीं बनाई तो क्या होगा, संविधान के ठीक पहले जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा और जो छूट है वो लेते रहेंगे। और फिर यहाँ देखे दिए गए, संघ की संपत्ति जहाँ तक संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रदान कर सकती है को छोड़कर किसी राज्य के भीतर किसी प्राधिकरण द्वारा लगाए गए सभी करों से वह छूट दी जाएगी। किसको, केंद्र की संपत्ति को, आर्टिकल 285 के अंतर्गत। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। धन्यवाद।